शराब में पानी की मिलावट है। इसका खुलासा निजामी ब्रदर्स ने 10 दिसंबर 2020 को खुलेआम कर दिया था, लेकिन मदिरा के आशिक मिलावट के दावे को नजरअंदाज कर उसके नशे में खुद से मोहब्बत कर रहे थे। मदिरा पीकर शराबोर रहते थे, पर उनका विश्वास उस समय टूट गया जब मदिरा में मिलावट का सच उनके सामने आया। बेचारे इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और सदमे में आकर मधुशाला पहुंच गए, जिसके बाद बेचारों का क्या हाल हुआ उन्हीं बेचारों से सुनिए। मतलब खुला हुआ ढक्कन, हमने जब उसको क्वार्टर के लिया, हमने जेब में डाल लिया, और जेब में डाल के जब हम पीने आए तो हमने जैसे ही हमने सोचा ढक्कन तोड़ ले, ढक्कन वो पहले हाथ में आ गया, जेब में आधा आधा जेब में ढक्कन खुली हुई मिलती है, जेब में डाल जेब में आधा लिखा तो करता है। शराब में मिलावट का खेल चल रहा है यूपी के औरैया जिले में, जहां सेगनपुर देसी शराब के ठेके पर शराब में पानी मिलाकर बेचा जा रहा है। और जब कोई मदिरा का प्रेमी इसकी शिकायत ठेके के मालिक से करता है तो मालिक मदिरा का नशा ही उतार देता है। हम एक बार क्वार्टर लेके आए, उनके यहाँ गए हम। किनके यहाँ? ठेके जो मतलब अमर सिंह, क्या नाम है? हाँ, सेल्समैन नहीं है, उनके मालिक की बात बता रहे हैं। तो साहब हमको गाली देके एकदम बोले जाओ यहाँ से, जो लेना हो तो ले। नहीं भाई, शिकायत की अभी तक किसी से? शिकायत तो साहब हम करते, आप करे किन पे, कहे गाली देते है और डंडा लेके दौड़ते है। बोले लेना तो ले, मिले का लगा हुआ ढक्कन खुली हुई मिलती है, जेब में डाल जेब में आधा लिखा तो करता है। लेकिन शुक्रवार की रात मदिरा में मिलावट की पोल खुली तो बवाल हुआ। मौके पर पुलिस पहुंची तो मदिरा प्रेमियों ने उनको भी खरी खोटी सुना दी। वो तो गलत बोल रहा है यन भाई, हम मौके पे आए, हम आराम ही पे बोल रहे हैं, आप आराम से बोलिए, हम बड़े बूढ़े, आप भी आराम से बोलिए। तुम ज्यादा ओवर बोला तो, तुम ज्यादा ओवर बोला तो ओवर बोलने जरूरत नहीं है, ओवर बोलने जरूरत नहीं है। हाँ, तुम बहुत ओवर बोल रहे हो, नौकरी करिए कायदे पे, ओवर मत बोलिए। तुम हरे किराए हो, राजनीति आए हल्का लगा देखा आपने, ये बवाल शराब के मिलावट के लिए हो रहा है। ऐसा बवाल आपने कभी गेहूं चावल और तेल में मिलावट के लिए देखा है? नहीं, नहीं देखा होगा, क्योंकि मामला शराब का है और शराब कितनी खास है या उसके प्रेमी ही जानते हैं। फिलहाल शराब में मिलावट गैरकानूनी है, मिलावट के चलते कई बार लोगों की मौत भी हो जाती है। मिलावट रोकने की जिम्मेदारी आबकारी विभाग के पास है, लेकिन आबकारी विभाग की मिलीभगत से ही मिलावट का खेल चलता रहता है। औरैया से अवधेश अवस्थी की रिपोर्ट, NTTV भारत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।